मैं अजय कुमार प्रसाद, सहायक शिक्षक उत्कर्मी उच्च विद्यालय लाहौर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय बतलाने जा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। कर्ण का वर्ग अर्थात एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इसमें दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। कोण बी हमारा क्या है, समकोण है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अर्थात एसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसमें हम एक रचना लिए, रचना में क्या किए, बी से एसी पर बीडी लंब डाला, बीडी लंब एसी पर डाला। अब क्या करते हैं, परिमाण में हम त्रिभुज लेते हैं एबीसी और त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी। इसमें देखते हैं कोण एडीबी इक्वल टू कोण एबीसी, दोनों कोण क्या है हमारा, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है। अतः कोण कोण के समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी, अर्थात एबी बटा एडी इक्वल टू एसी एसी बटा एबी। दोनों को अब त्रियगुना करते हैं, त्रियगुना में एबी गुना एबी, एबी का स्क्वायर एडी गुना एसी, अर्थात एसी गुना एडी, समीकरण एक। इसी प्रकार हम त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार दोनों त्रिभुजों में कौन सी बराबर कौन सी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः कौन कौन के समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी, अर्थात बीसी बटा सीडी इक्वल टू एसी बटा बीसी। दोनों को त्रियगुना करते हैं, त्रियगुना के अनुसार बीसी गुना बीसी, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी गुना सीडी, समीकरण दो। अब ये समीकरण एक और दो को जोड़ने पर हम पाते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए सी दोनों समीकरणों में हमारा कॉमन है, ये उभयनिष्ठ लेंगे, ए डी प्लस सी डी, अर्थात ए डी प्लस सी डी त्रिभुज में देखते हैं क्या हम लोग का, ये ए सी है, ए सी गुना ए सी, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसी प्रकार ये हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ।